नमस्कार भाइयों, वेलकम आप सभी का। तो भाइयों, आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा, उसमें दोस्तों हमारी क्या टीम रहने वाली है, आज के मैच में कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिनको हम अपनी टीम में रखकर चल सकते हैं, हम आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करें, आज के मैच में ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कौन होने वाले हैं, विकेटकीपर में हम लोकेश राहुल को टीम में लेकर चले या कुशल मेंडिस को टीम में लेकर चले, क्योंकि दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन दोनों में से हम किसी एक को अपनी टीम में रख सकते हैं तो किसको रखकर चले। बैट्समैन में दोस्तों कोहली ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, क्या हम विराट कोहली को अपनी टीम में लेकर चलें या रोहित शर्मा को अपनी टीम में लेकर चलें या हम शुभमन गिल को अपनी टीम में लेकर चलें, इन तीनों में से हम किसी एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी को अपनी टीम में रखकर चल सकते हैं। श्रीलंका की तरफ से सेफ खिलाड़ी की बात करें तो बैट्समैन में पार्थुम निशंका है, जिसको हम आसानी से अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन क्या हम आज अविष्का फर्नांडो असलंका जिनका काफी लो सेलेक्शन है वो आज के मैच में ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकते हैं। ऑलराउंडर में तो सभी को लेकर चला, हसरंगा हो गए या फिर वाशिंगटन सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, दुनित वेलालेज भी आज के मैच में फिक्स खिलाड़ी है, क्या हम आज के मैच में दुनित वेलालेज को कैप्टन वाइस कैप्टन करें या हसरंगा को कैप्टन वाइस कैप्टन करें या अक्षर पटेल को सीवीसी करें या फिर बैट्समैन में रोहित शर्मा गिल कोहली में से कैप्टन वाइस कैप्टन करें या फिर पार्थुम निशंका जिसने लास्ट मैच में 73 पॉइंट्स दिए उसको कैप्टन वाइस कैप्टन करें। इस मैच की पिच रिपोर्ट्स क्या रहने वाली है, लास्ट मैच इसी पिच पर खेला गया था, आप लोगों ने देखा स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज थी, स्पिनर्स को आज भी हम अपनी टीम में रखकर चल सकते हैं, क्या हम कैप्टन वाइस कैप्टन स्पिनर्स में रखकर चले, बैट्समैन हम कितने लेकर चल सकते हैं, बॉलर्स ऑलराउंडर हम कितने लेकर चल सकते हैं, किस खिलाड़ी के रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, किसका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, किसका वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, किसका सेलेक्शन कम है जिसको आज हम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, ये सारी बातें दोस्तों वीडियो में करने वाले हैं और फाइनल में हम अपनी एक यूनिक टीम बनाने वाले हैं जिसमें कुछ रिस्क भी होगा, जिसमें बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करने का रिस्क भी होगा, जिसमें लो सेलेक्शन खिलाड़ी को टीम में लेने का भी रिस्क होगा, क्योंकि ये रिस्क तो लेकर चलने ही पड़ते हैं, हम हमेशा ही ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेकर चलते हैं। लास्ट मैच में भी हमने जिन खिलाड़ियों को अपनी टीम में लिया सभी ने परफॉर्मेंस किया, लास्ट मैच में मैंने अविष्का फर्नांडो को ट्राई किया वो 5 पॉइंट्स ही दे पाए, अगर पार्थुम निशंका होते मेरी टीम में तो मेरी टीम ग्रैंड लीग विन कर जाती, तो इसी तरीके से हम यूनिक टीम तो जरूर बनाएंगे, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी को तो आज भी टीम में ट्राई करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच में सेफ ऑप्शन भी है क्योंकि ज्यादातर हसरंगा को कैप्टन करेंगे, दुनित वेलालेज को कैप्टन करेंगे, अक्षर पटेल को कैप्टन करेंगे या फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं ज्यादातर, लेकिन इनके अलावा आज के मैच में एक ऐसा कैप्टन वाइस कैप्टन है जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है और जिसका सेलेक्शन सबसे कम है, तो वो कौन है ये बात भी हम वीडियो में करने वाले हैं और साथ के साथ 25,000 रुपए का गिवे हर वीडियो में रहता है, एक सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर ठीक होता है उसको गिवे मिलता है, जो पूरी वीडियो देखता है वीडियो को लाइक करता है और कमेंट्स करता है वो गिवे विनर होता है, और वैसे भी पूरी वीडियो देखा करो समझा करो और टीम बनाया करो, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप पूरा देखते हो और एक अच्छी टीम बनाते हो तो ग्रैंड लीग विन करने के ज्यादातर चांसेस है, क्योंकि एक तो वीडियो का पर्पज होता है सिर्फ देखना, एक वीडियो का पर्पज होता है उसको देखकर समझना, जो समझता ना वो ग्रैंड लीग विन करता है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और एक अच्छी टीम बनाइएगा, खुद टीम बनाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि किसी की टीम से ग्रैंड लीग विन नहीं होती, समोल लीग की टीम आप किसी की भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो लेकिन ग्रैंड लीग की टीम जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तो ग्रैंड लीग नहीं विन होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, आप एक कमेंट्स करते हो प्यारा कमेंट्स करते हो तो काफी अच्छा लगता है, आपका स्पोर्ट्स लगता है काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो यूनिक प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड ओडीआई मैच है, फर्स्ट ओडीआई मैच आप लोगों ने देखा काफी इंटरेस्टिंग हुआ, मैच टाई रहा था, आज के मैच में क्या कुछ हो सकता है वो बात करने वाले, मैच वहीं पर खेला जाएगा जहां पर लास्ट मैच खेला गया था, आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, तो कोलंबो की पिच रिपोर्ट्स की बात करें तो सीधा सीधा पिछली वीडियो में भी बताया था कि श्रीलंका की कोई भी पिच हो वहां पर स्पिनर्स को डोमिनेट रहता है, स्पिनर्स को हमेशा विकेट्स मिलती है, स्पिनर्स का दबदबा रहता है और कोलंबो की पिच पर तो बिल्कुल ही स्पिनर्स रहते हैं, यानी कि लास्ट मैच में आप लोगों ने देखा स्पिनर्स को ही ज्यादा विकेट्स मिले, यानी कि सबसे ज्यादा अहमियत अपनी टीम बनाते वक्त आप लोगों को देना है तो स्पिनर्स को अपनी टीम में रखिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी स्पिनर्स में करोगे तो ग्रैंड लीग विन करने के ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे और स्मॉल लीग में भी आप इजिली क्लीन स्वीप
स्वीप कर लोगे। सबसे ज्यादा एडवांटेज स्पिनर्स को, उसके बाद बैट्समैन को, पेसर्स को यहां पर सबसे कम हेल्प मिलती है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो 139 मैचेज इस पिच पर खेले जा चुके हैं। फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 79 और सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 58 मैच विन किए हैं। जो टीम यहां पर फर्स्ट बैटिंग करती है उसके जीतने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं एज ए रिकॉर्ड। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें ना तो ज्यादातर स्कोर्स दोस्तों इस पिच पर 200 से 250 के बीच बनता है, जो कि 54 बार बन चुका है और लास्ट मैच में भी 200 से 250 के बीच ही स्कोर्स बना था। आज भी अगर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करता है तो 200 से 250 के बीच ही स्कोर्स बनेगा। इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, इंडिया लास्ट मैच विन कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो इंडिया इस पिच पर 250 से 300 के बीच जो स्कोरिंग पैटर्न है इसमें रन बनाता हुआ आपको दिखाई दे सकता। एवरेज स्कोर्स भी यही है 240 से 250 के बीच। हाई स्कोर्स की बात करें तो 375 हाई स्कोर्स भी जा चुका है और लो स्कोर्स की बात करें तो 50 रन यहां पर लो स्कोर्स भी रह चुका है। अब दोस्तों जो रिसेंट मैच इस पिच पर खेला गया था, फर्स्ट ओडीआई मैच कोई देखकर चलते हैं। फर्स्ट ओडीआई मैच हुआ था, श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग की थी और 230 रन बनाए थे श्रीलंका ने और 8 विकेट गिरे थे, विकेट अच्छे खासे गिरे। वहीं पर इंडिया भी 230 रन ही बना पाया और इंडिया ऑल आउट हो गया, पूरे 10 विकेट गिर गए, मैच टाई रहा था। पेसर्स को आप देख सकते हो सिर्फ 5 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को देखो आप 13 विकेट्स मिली, यानी कि सीधे सीधे स्पिनर्स ही यहां पर ज्यादा डोमिनेट करते हैं। स्पिनर्स जो जो स्पिनर्स ऑप्शन है सभी को आप अपनी टीम में रखकर टीम बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारी टीम का स्ट्रक्चर क्या रह सकता, हम दोस्तों विकेट कीपर एक लेकर चलेंगे, या तो मेंडिस को या राहुल को, वो आगे बात करेंगे लेकिन विकेट कीपर एक ही लेकर चलेंगे। फिर दोस्तों बात करें हम बैट्समैन कितने लेकर चले, तो दोस्तों बैट्समैन मैं 4 लेकर चलना चाहूंगा, जिसमें मैं 1 लो सेलेक्शन बैट्समैन लूंगा और 2 हाई सेलेक्शन बैट्समैन लूंगा और 1 ऐसा लूंगा जिसका ठीक ठाक सेलेक्शन है, यानी कि मैं 4 बैट्समैन आज अपनी टीम में लेकर चलूंगा। उसके बाद कम से कम हम 3 ऑलराउंडर लेकर चलेंगे, अब चाहो तो 4 ऑलराउंडर भी ले सकते हो। बॉलर्स 2 सबसे बेस्ट रहने वाले, लेकिन आप चाहो तो 3 बॉलर्स भी लेकर चल सकते हो। कुछ इस तरीके का हमारा आज की टीम का स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। दोनों टीमों की बात करें तो लास्ट मैच टाई रहा था, बराबर की टीमें थी, लेकिन इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और इंडिया ने अपने हाथ में आया हुआ मैच गवाया है लास्ट मैच का, यानी कि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है तो इंडिया के फेवर में हम अपनी टीम बनाएंगे। लास्ट मैच की तरह अगर आप समोली की टीम खेलो तो आप इंडिया के 7 खिलाड़ी लेकर चलो, श्रीलंका के 4 खिलाड़ी लेकर चलो, लेकिन ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो उसमें आपको श्रीलंका के 5 खिलाड़ी तो दिखाई देंगे ही देंगे और लास्ट मैच में तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी श्रीलंका के ही रहे थे, हसरंगा और धोनी थवेलालेज। तो इस तरीके से आज भी हम कैप्टन वाइस कैप्टन श्रीलंका की तरफ से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इंडिया के सारे प्लेयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि अपना योगदान देते हैं, जबकि श्रीलंका के कुछ ही प्लेयर्स हैं जो अपना योगदान देते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स देते हैं, इसलिए श्रीलंका की तरफ से हम कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के इंडिया की तरफ से भी अच्छे हैं, खिलाड़ी हम इंडिया के फालतू लेकर चल सकते हैं, 1 खिलाड़ी ज्यादा लेकर चल सकते हैं, यानी कि इंडिया के फेवर में हम अपनी टीम बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11 की। लास्ट मैच में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने ओपनिंग की थी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये लास्ट मैच में इंडिया की प्लेइंग 11 थी। अब यहां से हम 2 भागों में बांट लेते हैं, बॉलिंग ऑप्शन और बैटिंग ऑप्शन। बॉलिंग की बात करें तो दोस्तों इंडिया की तरफ से ये 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन है और बैटिंग की बात करें तो ये 5 बैट्समैन ऑप्शन है। तो अब हम यहां से 4 बैट्समैन और 4 बॉलर्स और 3 हम बैट्समैन लेकर चल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो बॉलर्स 5 भी लेकर चल सकते हो। अब बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद सिराज लगभग 8 ओवर के आसपास बॉलिंग करेंगे, अर्शदीप सिंह 10 ओवर के आसपास बॉलिंग करेंगे, लेकिन स्पिनर्स को एडवांटेज है तो अर्शदीप सिंह के भी 2 ओवर कट सकते हैं, कुलदीप यादव पूरे 10 ओवर कर रहे हैं, अक्षर पटेल 10 ओवर कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर 7 से 8 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर भी 10 ओवर के आसपास बॉलिंग कर सकते हैं, बाकी 5 ओवर के आसपास का स्पेल आप शिवम दुबे से भी देख सकते हो। पावर प्ले में सिराज और अर्शदीप सिंह कर रहे हैं, डेथ की बात करें तो सिराज और अर्शदीप सिंह ही इंडिया की तरफ से डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। अब यहां से किस खिलाड़ी को लेकर चलना और लास्ट मैच में कौन फ्लॉप हुआ था, रोहित शर्मा लास्ट मैच में गजब का खेला, T20 की तरह खेला, इस पिच पर बैटिंग करना मुश्किल था फिर भी इन्होंने
काफी अच्छा स्कोर किया, 58 रन किए और आज के मैच में भी अच्छा पिक रहेगा। रोहित शर्मा मेरे हिसाब से इस ओडीआई सीरीज में हर मैच में स्कोर्स करने वाला, क्योंकि जो पिच स्लो होती है ना उस पर आराम से खेलने वाला खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाता है, रन नहीं बना पाता, स्ट्रगल खेलता है, लेकिन जो आक्रामक तरीके से खेलता है वो यहाँ पर बड़ा स्कोर्स कर जाता है। तो इसलिए रोहित शर्मा परफेक्ट रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कंटेंट रहेंगे। फिर बात करते हैं गिल, लास्ट मैच में भी मैंने बोला था गिल शायद 20-22 रन के अंदर आउट हो जाएंगे, 16 रन पर आउट हो गए, तो गिल शायद ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे, इसलिए मैं गिल को ड्रॉप करूंगा। मैं यहां से रोहित शर्मा को अपनी टीम में लेकर चलूंगा। रिकॉर्ड्स रोहित शर्मा के भी अच्छे हैं और गिल के भी अच्छे हैं, लेकिन गिल बैटिंग विकेट्स के ज्यादा अच्छे पिक है, जहां पर स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज होता है, बॉल थोड़ी फंस के आती है, वहां पर ये स्ट्रगल कर जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों विराट कोहली, ज्यादा बड़ी इनिंग्स तो विराट कोहली के बल्ले से भी नहीं आई, सिर्फ 24 रन बनाए, सिलेक्शन 72% है, यानी कि ज्यादा सिलेक्शन ही है। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो आज विराट कोहली को और आप रोहित शर्मा को सीवीसी करके चल सकते हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप आज अच्छी चल सकती है, दोनों 50-50 का स्कोर इस पिचेज पर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं श्रेयस अय्यर, दोस्तों लास्ट मैच में 23 रन बनाए, सिलेक्शन 16% था, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी लास्ट मैच में हो सकते थे क्योंकि इनको मौका मिला, लेकिन ज्यादा बड़ा स्कोर ये भी नहीं कर पाए। अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो ग्रैंड लीग का तो आप चाहो तो रोहित शर्मा के साथ श्रेयस अय्यर को ले सकते हो, कोहली और गिल को ड्रॉप करके चल सकते हो, या फिर आप चाहो तो विराट कोहली को टीम में लेकर श्रेयस अय्यर को ले सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर का एज ए ग्रैंड लीग की टीम में ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, अगर आप श्रेयस अय्यर को ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी लेकर चले हो, क्योंकि 4 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है और ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ही लेकर चलूंगा। फिर बात करते हैं दोस्तों लोकेश राहुल, लास्ट मैच में 31 रन बनाए, लेकिन इस तरह की पिचेस पर विकेट कीपिंग से पॉइंट्स मिलने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं, हालांकि लास्ट मैच में लोकेश राहुल को विकेट कीपिंग से ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले थे, लेकिन 5 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग विकेट्स है तो बैटिंग आने के इनके चांसेस रहने वाले, यानी कि ये भी अच्छी पिक है विकेट्स कीपर में, इनको हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग के केस में आप इनको वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हो, अगर आप रोहित शर्मा कोहली को टीम में ले रहे हो सकता है लोकेश राहुल 50-70 रन बना सकते इस पिच पर, तो इसलिए ये यूनिक वाइस कैप्टन के ऑप्शन आने वाले हैं। फर्स्ट बैटिंग के केस में ज्यादा अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन आएंगे, सेकंड बैटिंग के केस में आप इनको वाइस कैप्टन नहीं बना सकते क्योंकि वहां पर स्कोर शायद ज्यादा बड़ा करने को ना मिले। फिर बात करते हैं शिवम दुबे, ये भी अच्छे पिक की श्रेणी में आ गए हैं क्योंकि 5 ओवर के पास ये बॉलिंग करेंगे और 5 ओवर बॉलिंग करेंगे तो एक विकेट तो कन्फर्म मिलेगा, और लास्ट मैच में 25 रन भी बनाए, एक विकेट भी लिया, सेलेक्शन अभी भी कम है, 29% सेलेक्शन है, तो ठीक ठाक है, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी ये भी रहेंगे। ज्यादा अच्छे ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी तो शिवम दुबे लग रहे हैं श्रेयस अय्यर से, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी 20-22 रन बना रहे हैं, वो बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन शिवम दुबे बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को देखते हुए शिवम दुबे ज्यादा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है, इनको आप अपनी टीम में रखकर चल सकते हो। फिर बात करते हैं अक्षर पटेल, अच्छे पिक रहेंगे, आराम से टीम में लेकर चल सकते हैं, हालिया दिनों में अच्छा करियर चल रहा है, T20 में अच्छे रन बना रहे हैं, ODI में विकेट्स भी निकाल रहे हैं और बैटिंग से भी अच्छे रन बना रहे हैं, लास्ट मैच में 33 रन, 2 विकेट्स, अच्छे ऑप्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टन के इस पिच पर बेस्ट ऑप्शन है, आप इनको सीवीसी बनाकर चल सकते हो। वासी की बात करें तो ये थोड़े एवरेज पिक हो सकते हैं, हालांकि बॉलिंग इन्होंने भी ज्यादा की, लेकिन इनका सिलेक्शन 66% है, हालांकि स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन अगर रिस्क लेना तो वासी की जगह पर मैं शिवम दुबे को प्रथम चॉइस मानूंगा, एक तो उनका सिलेक्शन कम है और एक उनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है, तो वो ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं इस मैच में। फिलहाल वासी का सुंदर बात करें तो सिलेक्शन 66% है, स्पिनर्स को एडवांटेज है। कुलदीप यादव को एक ही विकेट मिला, लेकिन 10 ओवर ये पूरे बॉलिंग करेंगे और ये किसी भी मैच में 2 ओडीआई मैच और होने हैं तो उन आज का या कल का मैच और फिर एक और जो थर्ड ODI होगा उनमें से एक मैच में 3-4 विकेट निकाल लेंगे, तीनों मैच कोलंबो पर है, यानी कि बेस्ट भी करेंगे, लास्ट मैच में एक ही विकेट मिला, सिलेक्शन 73% है, ये यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग करता है तब ये बहुत ज्यादा विकेट्स ले सकते हैं, लास्ट मैच में भले ही इनको एक विकेट मिला हो लेकिन अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर्स है। अर्शदीप सिंह
पेसर्स को यहां पर बहुत कम हेल्प है, इंडिया के ही पेसर्स को विकेट्स मिले, नहीं तो सारे विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। लास्ट मैच में 2 विकेट्स तो किए, फर्स्ट बॉलिंग के केस में डेथ में बॉलिंग करते हैं और डेथ में इनको विकेट्स मिलने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। मोहम्मद सिराज सेलेक्शन कम है लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज है, पेसर्स को कम है, तो सिराज और अर्शदीप सिंह शायद ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है तो इनमें से आप किसी भी एक खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर चल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका की प्लेइंग 11 की। अब इसका फर्नांडो और पार्थो निशंका ओपनिंग कर रहे हैं, कुशल मेंडिस, समारा विक्रमा, असलंका, लियांगे, वायनाडू, असरंगा, दोनित वेलालगे, अकीला धनंजय, आस्था फर्नांडो, मोहम्मद सिराज, ये इनकी प्लेइंग 11 है। हो सकता है तिक्सना भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं इस मैच में, अगर वो खेलते हैं तो वो जबरदस्त पिक होने वाले। बॉलिंग की बात करें तो सिराज 5 ओवर के आसपास बॉलिंग करे हैं, आस्था फर्नांडो 6 से 7, धनंजय 10 ओवर, वेलालेस 10 ओवर, हसरंगा 10 ओवर और असलंका भी 8 ओवर के आसपास बॉलिंग कर रहे हैं, ये इनके बॉलिंग ऑप्शन है। पावर प्ले की बात करें तो आस्था फर्नांडो और आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे दोनित वेलालेस, या फिर आपको हसरंगा तो डेथ में बॉलिंग और डेथ में इनके साथ आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं वेलालेस, या असलंका ने भी लास्ट मैच में डेथ में ही बॉलिंग की थी। अब यहां से हम किस खिलाड़ी को लेकर चल सकते हैं, अब इसका फर्नांडो सेलेक्शन बहुत कम है, 5% है, खिलाड़ी काफी अच्छा 2 मैचों में 50 लगा चुका है, जीएल में इसके आज के मैच में ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होने के ज्यादातर चांसेस हैं, इसलिए मैं अविष्का फर्नांडो को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं, मैं पार्थुम निशंका को ड्रॉप कर रहा हूं। पार्थुम निशंका सीनियर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है और काफी अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, बहुत बड़ा रिस्क होगा, अगर आप चाहो तो पार्थुम निशंका को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो क्योंकि अविष्का फर्नांडो के चलने के कम चांसेस रहते हैं, इसलिए आप चाहो तो पार्थुम निशंका को ट्राई कर सकते हो और अविष्का को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं अविष्का को लेकर चलूंगा और पार्थुम निशंका को फिलहाल मैं ड्रॉप करूंगा, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस रहने वाले चलने के वो रहने वाले पार्थुम निशंका के, लेकिन अविष्का का सिलेक्शन कम है इसलिए मैं अविष्का को ट्राई करूंगा। हालांकि अविष्का बैटिंग विकेट होती ना तब ये बड़ा स्कोर कर जाते थे, अभी एलपीएल में बड़ा स्कोर किया, बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन बैलेंस विकेट से तो थोड़े चलने के चांसेस इनके कम है, लेकिन फिर भी मैं ही इनको ही अपनी टीम में ट्राई करूंगा। कुशल मेंडिस अच्छे पिक रह सकते हैं क्योंकि विकेट के ऊपर में राहुल और मेंडिस दो ऑप्शन है और दोनों ही अच्छे हैं, अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो मैं इंडिया का विकेट कीपर के साथ जाऊंगा, अगर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करता है तो मैं श्रीलंका के विकेट कीपर के साथ जाऊंगा, तो मेंडिस अच्छे पिक रहेंगे, विकेट कीपर में 68% सेलेक्शन है। समारा विक्रमा है तो ये भी टैलेंटेड लेकिन ये बैटिंग विकेट के अच्छे बल्लेबाज हैं, तो फिलहाल मैं अविष्का या समारा विक्रमा इन दोनों में से एक को अपनी टीम में मैं ट्राई करने वाला ही हूं, या तो मैं समायरा विक्रमा के ऊपर रिस्क लूंगा या मैं अविष्का फर्नांडो के ऊपर रिस्क लूंगा, क्योंकि रिस्क है तो जीएल है, नहीं तो लाखों करोड़ों लोग खेल रहे हैं तो कोई फायदा है नहीं उस चीज से, तो इसलिए मैं समायरा विक्रमा और अविष्का फर्नांडो इन दोनों में से आज ज्यादातर चांसेज है एक ग्रैंड लीग की टीम में आए, तो दोनों में से किसी भी एक को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिर बात करते हैं असलंका, ये भी फिक्स खिलाड़ी हो गए हैं क्योंकि अब हमको पता चल चुका है 7 से 8 ओवर बॉलिंग करेंगे और लास्ट मैच में भी मैंने बताया था ओडीआई में ये बॉलिंग करने वाले हैं और अच्छी गेंदबाजी भी की, 3 विकेट्स भी निकाले और बैटिंग से भी 14 रन बनाए, आज के मैच में ये 40+ का स्कोर करेंगे बैटिंग से प्लस बॉलिंग से भी, 1 विकेट्स भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, यानी कि अच्छे पिक है, सेलेक्शन भी ज्यादा नहीं है और ये यूनिक कैप्टन है आज के मैच के, अगर 40+ का स्कोर्स कर गए और 2 विकेट्स निकाल ले गए तो यूनिक कैप्टन हो जाएंगे। लियांगे अच्छे पिक हो सकते थे अगर बॉलिंग करते, बॉलिंग कर नहीं रहे तो ये ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे, लेकिन आज के मैच में टीम इनसे 2 ओवर 3 ओवर बॉलिंग करवा सकती है अगर टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो। फिर बात करते हैं हसरंगा को, तो टीम में लेकर चल रही है, कैप्टन वाइस कैप्टन के ये भी अच्छे कंटेंडर हैं, लास्ट मैच में 24 रन 3 विकेट्स अच्छे पिक रहेंगे। दुनित वेलालेस लास्ट मैच के हमारे ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, मैंने आपको बताया था ये बैटिंग से अच्छे पॉइंट्स देने वाले आज के मैच में, इनका सिलेक्शन उस टाइम 8% था और ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी निकले, 67 रन बनाए, 67 रन 2 विकेट्स आज के मैच में भी कुछ इस तरीके की उम्मीद इनसे कर सकते हैं। हसरंगा और दुनित वेलालेस दोनों फिक्स खिलाड़ी है, दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर भी है। फिर बात करते हैं धनंजय और आस्था फर्नांडो, अगर किसी को लेना है तो सीधे सीधे अकीला धनंजय अच्छे पिक रह सकते हैं क्योंकि ये 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, आस्था फर्नांडो के बॉलिंग
चार ओवर करेंगे, पांच ओवर करेंगे और धनंजय के ज्यादातर चांसेस है और धनंजय कुछ बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, तो ये अच्छे और सेलेक्शन कम है तो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी फिक हो सकते हैं, बाकी सिराज को आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी फाइनल टीम की। विकेट कीपर में मैंने फिलहाल लोकेश राहुल को लिया हुआ है, बैट्समैन में मैंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लिया हुआ है, फिर दोस्तों मैंने असलंका को लिया हुआ है और फिर मैंने यहाँ पर अविष्का फर्नांडो को लिया हुआ है जो कि रिस्की खिलाड़ी है। आप चाहो तो अविष्का की जगह पर पाथुम निशंका सेफ खिलाड़ी के साथ जा सकते हो जिनके चलने के चांसेस ज्यादा, या फिर आप चाहो तो कुशल मेंडिस को इनकी जगह पर लेकर चल सकते हो। फिर बात करते हैं दोस्तों मैंने हसरंगा पटेल और वाशिंगटन सुंदर को लिया हुआ है, वासी की जगह पर आप शिवम दुबे को भी ट्राई कर सकते हो जो कि एक अच्छे पिक इस मैच में हो सकते हैं। फिर मैंने कुलदीप यादव और सिराज को लिया हुआ है और दुनित वेलालेज को, आप चाहो तो सिराज की जगह पर भी शिवम दुबे को ट्राई कर सकते हो। ये मेरी दोस्तों टीम है। अब कैप्टन बताएं तो मैंने यूनिक कैप्टन बनाया हुआ है असलंका को, क्योंकि ये 7 से 8 ओवर बॉलिंग करे तो विकेट मिलने के चांसेस है, प्लस बैटिंग से आज के मैच में ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इसलिए मेरे को सबसे अच्छे सीवीसी लग रहा है। वाइस कैप्टन मैंने हसरंगा को बनाया हुआ है, हसरंगा के बाद अक्षर पटेल अच्छे सीवीसी के ऑप्शन है और दुनित वेलालेज भी अच्छे सीवीसी के ऑप्शन है। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है, अगर आप 2 से 3 टीमें जीएल की बना रहे हो तो आप कैप्टन रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन विराट कोहली को भी करके चल सकते हो। ये था दोस्तों आज के हमारा पूरा प्रेडिक्शन, कुछ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है जिनको हम ले सकते हैं, दुबे हो गया, हमारा विक्रमा हो गया, किसकी जगह पर ले सकते हैं वो भी हमने बात कर ली, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों हम गिववे की, आज के मैच में असलंका कितने रन बनाएगा, कितनी विकेट्स लेगा और कितने फैंटेसी पॉइंट्स होने वाले हैं। बाकी फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।